subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. A very good morning to all of you. क्या मेरी आवाज आप सारे लोगों तक पहुंच रही है? Yes या no में confirm करिएगा जरा. क्या मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है? एक बार yes no में confirm करो जल्दी जल्दी. सारे के सारे लोग फटाफट कंफर्म करें इफ आई एम ऑडिबल और नॉट. एंड साथ ही साथ क्या करना है आप लोगों को, आज का सेशन एकदम अपने दोस्तों के पास शेयर करना है थ्रू वट एवर ग्रुप्स यू आर. सारे के सारे ग्रुप्स में आप इस सेशन को शेयर कर दो. और अभी तक अगर लाइक नहीं किया है, डू लाइक द सेशन. सेशन को फटाफट आप लोग लाइक करें, बी क्विक, एकदम जल्दी जल्दी. तो बताइए बी क्विक कि मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस, जागृति ने कंफर्मेशन दे दिया है कि आई एम प्रॉपरली ऑडिबल. डियर, आज थोड़ा सा वॉल्यूम लो ही रहेगा क्योंकि गले का ही वॉल्यूम डाउन है, राइट? तो आई होप कोई दिक्कत नहीं हो रहा है. कोशिश रहेगा कि आप तक कम्युनिकेट कर पाए. अगर दिक्कत होगा तो आप लोग दोबारा से पूछ लेना, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं. आपको दिख रहा होगा कि आज अपने लोग पेपर 8 में आ गए हैं. लास्ट डे का आपका कुछ अराउंड 4 क्वेश्चंस वर देयर एज योर होमवर्क ना. 4 क्वेश्चंस हमारे क्या थे डियर? होमवर्क में थे, यस और नो, राइट? 4 क्वेश्चन हमारे होमवर्क में थे. तो अपने लोग करेंगे क्या बताओ? देयर वर 4 क्वेश्चन गिवन एज योर होमवर्क. तो हम लोग उसको आज के पेपर में ऐड करके डिस्कस कर लेंगे, ओके? तो चलिए, क्या आप लोग रेडी हो? यस और नो कंफर्म करो. आर यू पीपल रेडी? क्लास के लिए रेडी हो? सो हियर वी गो. चलिए फर्स्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को जल्दी जल्दी पढ़िए. पैटर्न एकदम कल के क्लास की तरह ही है. आज का पेपर भी सेम पैटर्न में ही है, लेकिन हाँ, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा आगे पीछे है. मतलब कहीं थोड़ा सा बेटर लेवल का क्वेश्चन है, कहीं थोड़ा सा लो लेवल का क्वेश्चन है. वो थोड़ा वेरी करेगा आज. तो जरा जल्दी जल्दी बताओ इंस्ट्रक्शन पढ़ के कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में. सुदीप्ता, क्या क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में? जल्दी जल्दी बताइए. What we people are going to study in question number 1 to 5? देखो सारे लोग एकदम कमर कस लिए हैं, ready है, very good. बताइए question number 1 to 5 में what we people are going to discuss. यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है. Read each part of the sentence to find out if there is an error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of that part is the answer. If there is no error, mark your answer as 5. मतलब क्या? Yes, of course, जागृति ने सबसे पहले पढ़ लिया. We are referring to spotting errors. है ना? हम लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं बताओ? We are referring to what? We are referring to spotting errors. Is it clear? चलिए आगे. क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, लेकिन ट्रस्ट मी डियर, टफ नहीं है. इट्स रियली वेरी इजी. एक बार ट्राई तो करो. नहीं हो पाया, आई एम देयर टू ब्लू पेंसिल योर आंसर, राइट? अगर कुछ गलत हुआ, रेक्टिफाई करने के लिए आई एम ऑलरेडी देयर. लेकिन ट्राई आप लोग पहले करो फटाफट. क्वेश्चन नंबर 1 को जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताइए, बी क्विक. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बी क्विक, जरा जल्दी जल्दी बताओ करेक्ट आंसर क्या है इसका. चलो पढ़ते हैं. अंडर द न्यू, लेट मी चेंज द इंक कलर. अंडर द न्यू रूल्स, इलेक्शन ऑफिसर्स एंड द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम्स विल नो लॉन्गर एक्सेप्ट एनी एप्लीकेशन, विल नो लॉन्गर एक्सेप्ट एन एप्लीकेशन फ्रॉम अ वोटर आस्किंग टू बी एडेड ऑन एन इलेक्टोरल लिस्ट until the person specify whether he or she has voted or been on a voter list elsewhere. तो देखो, हम सबको पता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उससे आने वाला जो वर्ब है वो वर्ब भी क्या है डियर? सिंगुलर है ना? ये सुनो, इफ The subject is singular. अगर हमारा subject singular है तो उससे related verb भी singular होगा. तो आप लोग मुझे बताइए, until the person बोला है ना? The person, आपको क्या लगता है? Is it indicating something plural? No, it's a subject which is indicating or prompting singularity. तो
तो इसके पीछे आने वाला वर्ब स्पेसिफाई कैसे होगा, इसको क्या लिखना है? स्पेसिफाइज बोल के लिखना है, यस और नो? हमारा अगर वर्ब प्लूरल होता तभी जब सब्जेक्ट प्लूरल होता, तो विच पार्ट इज रॉन्ग? पार्ट नंबर थ्री। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर थ्री आंसर में बोला उनका आंसर बिल्कुल सही, और अगर कोई दूसरा पार्ट बोला तो समवेयर इट इज रॉन्ग। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? क्या यहाँ तक सबको समझ में आया, यस और नो बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, क्लियर ना? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर टू। तो शुरुआत थोड़ा सा लेंदी से किया, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पेपर टफ है, राइट? शुरू हो जाइए, फटाफट सॉल्व करके बताओ एकदम क्विकली। And your time is out. तो बताइए क्वेश्चन नंबर टू का करेक्ट आंसर क्या होगा? कुछ एकाध लोग आंसर दे रहे हैं, लेकिन उस स्पीड से आंसर नहीं आ रहा जिस स्पीड से आना चाहिए था। ऐसा क्यों है भाई? जिस स्पीड से आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन में, उस स्पीड से आंसर क्यों नहीं आ रहा? इतना टफ तो ये क्वेश्चन है नहीं कि आप लोग आंसर ना दे पाओ। चलो जरा फॉलो करो, देखो कौन कौन करेक्ट आंसर दिया है। इतने सारे लोग अभी लाइव हो, सेशन को लाइक कर दो और सारे के सारे लोग चैट बॉक्स में पार्टिसिपेट करो। कुछ लोग सिर्फ स्पेक्टेटर होके बैठे रहते हैं, मैच थोड़ी ना चल रहा है कि स्पेक्टेटर होके बैठे रहेंगे या ऑडियंस होके बैठे रहेंगे, नहीं ना, हम लोग क्लास कर रहे हैं तो इसमें पार्टिसिपेट करना जरूरी है। तो सारे के सारे लोग चैट बॉक्स में, लाइव चैट में बिल्कुल पार्टिसिपेट करिए, गॉट इट? तो चलो पढ़ते हैं। द फोर्थ कमिंग गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट आने वाला है, शुड लर्न From the past mistakes, तो जो government आने वाला है उसको सीखना चाहिए। अब देखो should एक modal है ना, हम सबको पता है कि modal के बाद सिर्फ V1 ही आता है, इसीलिए learn बिल्कुल सही है। हम लोग advice देते वक्त कौन से modal को use करते हैं बताओ? Whenever we tend to give some advice, जब कभी भी किसी को advice देना होता है, what kind of modal do we people use? हम लोग हमेशा शुड को यूज करते हैं। तो आप लोग बताओ, सेंटेंस का टोन एडवाइजिंग है ना, हम लोग कहीं ना कहीं इस सेंटेंस में एडवाइस ही तो दे रहे हैं कि आने वाला जो गवर्नमेंट है उसको क्या करना चाहिए, उसको बताओ अपने पास्ट जो भी है, पास्ट जो गवर्नमेंट था उसकी गलतियों से सीखना चाहिए। अब एक बात बताइए, हम लोग ये वाला क्लास क्यों अटेंड करते हैं? आप लोग बताओ, आप लोग इस क्लास को क्यों फॉलो करते हो? ताकि क्लास में मॉक टेस्ट इतना सारा हम लोग प्रैक्टिस कर ले और उससे जो गलत कर रहे हैं उन गलतियों से सीखे और सीख को एग्जाम हॉल में अप्लाई करे, ताकि यहाँ जो गलत हो रहा है एग्जाम हॉल में ना हो, है ना? तो इसीलिए जब कभी भी हम लोग एडवाइस टोन में बात करते हैं शुड आता है, तो ऑप्शन नंबर वन करेक्ट, ऑप्शन नंबर टू भी करेक्ट। फिर आगे पढ़ो, एंड चैलेंजेस एंड शुड गिव मोमेंटम टू द साइकिल ऑफ ग्रोथ। मोमेंटम का मतलब होता है कहीं ना कहीं स्पीड, है ना? मोमेंटम शब्द का अर्थात है, मीनिंग क्या है डियर? स्पीड होता है ना, यस और नो, राइट? तो आप लोग बताइए, टू द साइकिल ऑफ ग्रोथ, अगर हम लोग बात करें टू द साइकिल ऑफ ग्रोथ, इसका मतलब क्या होएगा बताओ? व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, वी आर ट्राइंग टू से कि स्पीड पास्ट की गलतियों से सीख के आगे उन गलतियों को ना दोहराए और हम लोग प्रगति के पथ में आगे बढ़े। ग्रोथ हियर रेफर्स टू प्रगति, राइट? सो दिस इज इट, द सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड द करेक्ट आंसर इज, दैट इज व्हाई नो एरर। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन थ्री बताया, दैट इज समवेयर रॉन्ग, है ना? ऑप्शन नंबर थ्री इज नॉट द करेक्ट आंसर, हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर फाइव। इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर ना? चलो वेरी गुड। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर थ्री को इसी पेज में फटाफट बताओ, और सारे लोगों से मुझे आंसर चाहिए, जितने भी लोग अभी लाइव हो, अरे ट्राई करो ना, कौन सा मैं डांटती हूँ गलत आंसर होने से, है ना, राइट? कोई फर्क नहीं पड़ता अगर गलत होता है, लेकिन हाँ सही होने से फर्क पड़ता है, कॉन्फिडेंट बढ़ता है, गलत होने से भी आपको सीख मिलता है, राइट? तो पार्टिसिपेट करिए, सारे के सारे लोग लाइव चैट में बताइए इसका आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर थ्री, बी क्विक। क्वेश्चन नंबर थ्री को जल्दी जल्दी सॉल्व करें।
आंसर्स आने लगे हैं और स्पीड से आंसर आने चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ सारे लोग फटाफट। चलिए पढ़ लेते हैं, कुछ लोग आंसर देने लगे हैं बाकियों के लिए वेट ना करके, क्योंकि टाइमर आउट हो चुका है, टाइम इज आउट है ना। चलो द स्ट्रेंथ है ना, क्या बोल रहे देखो, द स्ट्रेंथन ऑफ द फाउंडेशन। अच्छा एक बात बताओ, हम लोगों को यहाँ पे गोइंग ऑन प्रोसेस चाहिए ना, गोइंग ऑन काइंड ऑफ थिंग, कोई भी चीज जो चल रहा है, ऑन गोइंग प्रोसेस जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट, रादर राइटिंग देन गोइंग ऑन वी कैन से ऑन गोइंग प्रोसेस, यस और नो। तो हम लोग को इस सेंटेंस में क्या दिख रहा है बताओ, ऑन गोइंग प्रोसेस का हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं, द स्ट्रेंथन ऑफ द फाउंडेशन इज रॉन्ग। स्ट्रेंथन तो इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो जाएगा, ये तो ऑन गोइंग नहीं बताएगा, तो आप लोग बताओ स्ट्रेंथन बोलेंगे या स्ट्रेंथनिंग। दिस शुड बी द वर्ड ना, तो किसी भी ऑनगोइंग प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव एक्शन, प्रोग्रेसिव एक्शन बोला जाता है। और एक्शन अगर बेटा प्रोग्रेसिव है तो उसको आईएनजी फॉर्म में लिखा जाता है, कंटिन्यूअस टेंस में। किसी भी प्रोग्रेसिव एक्शन का अगर हम लोग बात करें तो उसको कौन से वाले फॉर्म में लिखा जाता है बोलो, आईएनजी फॉर्म में, वो प्रोग्रेसिव है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। तो फर्स्ट पार्ट में एरर था ऑप्शन नंबर 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, बी क्विक। जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 4 को जरा सॉल्व करके बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 को जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ, बी क्विक। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, मच लाइक कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बिल्डर्स इन द सिटी आर ऑल्सो, बेटा आर ऑल्सो है कि नहीं, हम सबको पता है दो वॉइस में हम लोग बात करते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है क्या डियर, पैसिव वॉइस है ना। चलो तो फॉलो करें, अगर सिंपल टेंस में बात करना है और हमको एक्टिव वॉइस में बात करना है तो मैं बोलूंगी आई वरी है कि नहीं, लेकिन इसी को अगर पैसिव में बोलना है तो हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, बोलो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वरीड बोलेंगे ना, V3 फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आई एम वरीड ऐसे। तो मुद्दा क्या है देखो, बी वर्ब एड हो गया उसके बाद V3 ऐसे, यस और नो। तो आप लोग बताइए यहाँ पे लॉजिक क्या है कि कभी अगर बी वर्ब को यूज कर रहे हैं तो उसके बाद दो ही चीज आ सकता है, या तो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा या तो V3 फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। अगर आईएनजी है तो खुशी खुशी आप इसको एक्टिव वॉइस बोल सकते हैं, जैसे कि मान लो मैंने बोला आई एम टीचिंग, मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो ये तो एक्टिव वॉइस है, मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हूँ। लेकिन अगर मैंने बोला यू आर बीइंग टॉट, तो बताइए टॉट क्या था डियर, V3 था ना, और ये बी वर्ब, ये क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में है इसीलिए बी है ना। हमने बोला दिस वाज डन, तो आप खुद देख लो कोई बीइंग बीइंग नहीं आया, एक बी वर्ब है उसके बगल में V3। तो इतना कहानी बोलने के पीछे का रीजन ये है कि वरी होगा क्या, यस और नो, वरी होगा बताओ, क्या हम लोग वरी वर्ड को यूज करेंगे, यस और नो। बोलो नहीं, आर ऑल्सो वरीड, देख लेते हैं, मच लाइक कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बिल्डर्स इन द सिटी आर ऑल्सो वरीड अलॉट, वरिंग अलॉट ड्यू टू आर ऑल्सो वरिंग, वरिंग विल बी द करेक्ट आंसर ना।
यस और नो, वरिंग विल बी द करेक्ट आंसर। समझे कि नहीं बताओ। चलो आगे, नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 5, और आपका टाइमर बताओ। क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी जल्दी, बी क्विक। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? मच रूट्स। बेटा मच कब यूज करते हैं? मच यूज करते हैं जब अपने लोग मैक्सिमम बताते हैं। किस चीज का मैक्सिमम ऑफ एन अनकाउंटेबल सब्जेक्ट? जब कभी भी किसी अनकाउंटेबल सब्जेक्ट का मैक्सिमम बताना होता है, उसके लिए मच यूज करते हैं। और मैनी क्या बताते हैं? मैनी बताता है मैक्सिमम ऑफ ए काउंटेबल सब्जेक्ट, है ना? जब काउंटेबल सब्जेक्ट का मैक्सिमम बताना होता है, तब अपने लोग मैनी। अच्छा आप लोग बताओ, हमारा सब्जेक्ट कौन है? रोड। क्या आप इसको अनकाउंटेबल बोलोगे या काउंटेबल बोलोगे? पहले ये डिसाइड कर लो ना। ये जो हमारा रोड वर्ड है, ये काउंटेबल है ना? मैं रस्तों को गिन नहीं सकती? डेफिनेटली गिन सकती हूँ। गूगल मैप ऑन करके काउंट कर लिया इस लोकैलिटी में कितने रोड्स है कि नहीं? तो इट्स नथिंग बट अ काउंटेबल सब्जेक्ट, तो उसके सामने मच तो नहीं आना चाहिए। कौन आ जाएगा बताओ? मच नहीं आएगा, उसके बदले आएगा मैनी, MAN बाई मैनी। तो कौन से पार्ट में एरर था? फर्स्ट पार्ट में एरर था। तो आप लोग अपना स्कोर बताइए जरा, आउट ऑफ 5 आपका स्कोर क्या रहा फिलहाल? जितने भी लोग अभी क्लास में हो, फटाफट सेशन को लाइक करो और साथ ही साथ अपना स्कोर भी बताओ, जल्दी जल्दी, बी क्विक। 5 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितना स्कोर किया जरूर से बताइए, नेगेटिव मार्किंग डाल के बताना, उससे जस्टिफाई या जो भी हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं वो बेटर होता है। चलिए आगे, 6 to 10 क्या बोल रहा है जरा इंस्ट्रक्शन को फटाफट रीड कर लो। जितने भी लोग हो फटाफट इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लो 6 to 10 में, जल्दी जल्दी। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज 1 2 3 4 गिवन बिलो ईच सेंटेंस शुड रिप्लेस, मतलब क्या है बेटा? फ्रेज रिप्लेसमेंट है कि नहीं? हम लोग किन चीजों के बारे में बात करें? वी पीपल आर टॉकिंग अबाउट फ्रेज रिप्लेसमेंट। इज इट क्लियर? चलो, सोनम ने आंसर बता, मार्क्स बता दिया। सूरज सर, इतना बुरा हालत क्यों है? आपका मार्क्स देख के मुझे खुद डर लग रहा है कि मैंने क्या पढ़ाया क्लास में, मुझे अपने ऊपर डाउट हो रहा है। सूरज सर, टेंशन में मत डालो मुझे। सुदीप्ता 4, अच्छा 5 out of 5 कोई नहीं रूमा के अलावा। चलो कॉन्ग्रेचुलेशन रूमा, इस फर्स्ट राउंड के आप हाई स्कोरर हो। देखते हैं आगे कहानी कुछ बदलता है क्या। चलो स्टार्ट करो फटाफट, क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताइए एकदम क्विकली। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ जल्दी जल्दी, बी क्विक। बोलो जरा जल्दी जल्दी बताओ, बस नदीम सर ने आंसर दिया है और किसी ने आंसर नहीं दिया, दैट्स वेरी सैड। रीड करें, स्टूडेंट्स नाउ डेज मस्ट रिस्पॉन्ड टू चेंजिंग कंडीशन क्विकली मोर देन एवर बिफोर। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? चेंजिंग कंडीशन क्विकली, ऐसा है क्या? चेंजिंग कंडीशंस नहीं बोलेंगे, मोर देन एवर बिफोर। देखो, स्टूडेंट्स नाउडेज मस्ट रिस्पॉन्ड टू चेंजिंग कंडीशंस क्विकली मोर देन एवर बिफोर, मतलब पहले से कई गुना ज्यादा अभी स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना? आप लोग बताइए, हमारा जो कंडीशन चेंज हो रहा है, कोरोना ने हमें कितना एडवांस कर दिया ऑनलाइन क्लासेस में,
अडेप्ट कर दिया, राइट? तो देखो, चेंजिंग कंडीशंस क्विकली देन एवर बिफोर, इसमें कंपैरेटिव का सेंस नहीं है, काट दिया इसको, राइट? दूसरा, चेंजिंग कंडीशंस मोर क्विकली देन एवर बिफोर, ये साउंड्स गुड, चेंजेस बिल्कुल नहीं है ना. देखो, टू चेंजिंग कंडीशंस रिस्पॉन्ड टू, अच्छा ये वाला ना आप लोग ये मत सोच लेना, टू प्लस वी वन ऐसा वाला टू नहीं है. ऐसे भी तो बोलते हैं ना, आई एम गोइंग टू, फिर एक जगह का नाम लिखेंगे ना, किसी भी प्लेस का नाम, राइट? तो अगर यहाँ पे टू के बगल में प्लेस आ सकता है, तो यहाँ पे चेंजिंग क्यों नहीं आ सकता? चेंजिंग भी तो उतना ही करेक्ट है. तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल नहीं होएगा, ऑप्शन टू हो सकता है. अब ऑप्शन फोर में आ जाओ, टू चेंज्ड कंडीशंस मोर क्विकली, नहीं नहीं जो ऑनगोइंग प्रोसेस है, इट इज रेफरिंग टू एन ऑनगोइंग प्रोसेस, चलता जा रहा है, जो हर मोमेंट चेंज हो रहा है, क्विकली रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना? इसीलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर टू. तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर टू बताया, जैसे कि दीपाली मैडम, जागृति मैडम, है ना, फिर विराज सर, अनु का गलत हो गया, कोई बात नहीं, निकिता मैम, राइट, और रिम ने करेक्ट बताया, सुदीप्ता ने करेक्ट बताया, दीज आर द करेक्ट आंसर. दीज पीपल हैव आंसर्ड करेक्टली, क्वेश्चन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर, राइट? चलो, टू देखते ही वीवन लिखना है, ऐसा कोई हार्ड एंड रूल नहीं है, टू अलग सेंस में भी यूज होता है. चलो क्वेश्चन नंबर सेवन फटाफट सॉल्व करके बताइए, टाइमर देखो आपका रन हो चुका है, जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ, एकदम क्विकली फटाफट सॉल्व करके बताओ तो क्वेश्चन नंबर सेवन को. क्या होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवन का? पढ़ ले जरा. देखो, द डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी ओवर द डॉलर इज समथिंग दैट द गवर्नमेंट नीड्स टू फिक्स ऑन एन अर्जेंट बेसिस. अब बताओ, द डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी ओवर द डॉलर, नहीं क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन ओवर होता है, यस और नो बताओ, या अगेंस्ट होता है? अगेंस्ट हमेशा हॉस्टाइल फीलिंग लाता है, अक्रॉस मोशन बताता है, फ्रॉम वन साइड टू अनदर, अंडर पोजीशन बताता है, फॉर पर्पस बताता है. तो ये जो प्रपोजिशन है, ये तो एक भी सुटेबल नहीं है, है कि नहीं? ये एक भी सुटेबल नहीं है. ओवर बताता है मोशन, तो आप लोग बताओ, डेप्रिशिएट कर रहे हैं तो मोशन तो है, राइट? दैट इज वाई ऑप्शन नंबर फाइव, नो करेक्शन रिक्वायर्ड. इज दिस पार्ट क्लियर डियर? नो करेक्शन रिक्वायर्ड इज द करेक्ट आंसर, गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट फटाफट सॉल्व करके बताइए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर एट को जरा फटाफट सॉल्व करके बताओ, बी क्विक, एकदम जल्दी जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर एट को सॉल्व करके. क्वेश्चन नंबर एट का करेक्ट आंसर क्या है? वॉशिंग एंड क्लीनिंग अ वाइटल फंक्शनिंग, मतलब साफ सुथरा रहना, कोई भी चीज अगर आप किसी एनवायरमेंट को भी साफ सुथरा नहीं रखते तो वो एनवायरमेंट लिविंग लाइक नहीं रहता. तो वॉशिंग एंड क्लीनिंग आर वाइटल फंक्शन, है कि नहीं? वॉशिंग और क्लीनिंग क्या है डियर? वाइटल फंक्शन है, वॉशिंग एंड क्लीनिंग इन ए वाइटल फंक्शन, है कि नहीं? वॉशिंग एंड क्लीनिंग अ वाइटल फंक्शन इन हॉस्पिटल्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन हैज मोस्टली बीन अबंडेंट एट मेनी इंस्टीट्यूशन, मतलब इसको छोड़ ही दिया गया है, लोग साफ सफाई को वेटेज ही नहीं देते, इनके ऊपर फॉलो ही नहीं करते. तो बताइए, हैज बीन मोस्ट अबंडेनिंग, नहीं, हैव बीन, हम लोग वॉशिंग एंड क्लीनिंग को सिंगल यूनिट मान रहे हैं ना,
क्योंकि देखो यहाँ पे बोला गया है ए वाइटल फंक्शन, मतलब सिंगुलर, इसीलिए यहाँ पे ये हैज सही है, नहीं तो खुशी खुशी लेते ना हैव, फिर उसके बाद हैड अबंडेंट मोस्टली ना, हैज बीन मोस्ट अबंडेंट ना, तो करेक्ट आंसर फिर से है ऑप्शन नंबर 5, दैट इज नो करेक्शन रिक्वायर्ड, सारे लोगों का करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फटाफट सॉल्व करके बताओ, आपका टाइमर रन हो चुका है, जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 को एकदम क्विकली सॉल्व करके बताओ, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर बताइए। क्या होगा डियर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए जरा। चलो देखते हैं, इन टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी इन्वेस्टर्स आर, क्योंकि इन्वेस्टर्स है तो आर तो चलेगा, रूटीन एडवाइजरी टू होल्ड ऑन टू कैश, नहीं। अच्छा एक बात बताओ, एडवाइजरी टू होगा या एडवाइज्ड टू होगा, बताइए। अगर हमने एडवाइज लिया तो इसके सामने इसको क्वालिफाई करने वाला वर्ड तो एडवर्ब होना चाहिए, तो आप लोग बताओ, एडवाइजरी से काम नहीं होगा, हैज एडवाइजरी रूटीन टू होल्ड, नहीं, दिस इज रॉन्ग, आर रूटीनली एडवाइज्ड हो सकता है ना, हैव एडवाइज्ड रूटीनली ना, इज एडवाइज तो बिल्कुल नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, एकदम सबने सही आंसर मार्क किया। चलो क्वेश्चन नंबर 10 बताओ जल्दी जल्दी, आपका टाइमर यहाँ पे रन हो चुका है, फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 को, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करके बताइए, एकदम जल्दी जल्दी बताओ। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, फॉलो करें, द डिले इन टेकिंग एक्शन एड्स टू द ऑलरेडी प्रिवेल कंफ्यूजन, कंफ्यूजन ऐसे होना चाहिए, कंफ्यूज कैसे होगा, प्रिवेलिंग कंफ्यूजन एंड पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होगा, तो देखो प्रीवेलिंग ऑलरेडी कंफ्यूजेस नहीं, ऑलरेडी प्रीवेलिंग कंफ्यूजन, यस ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, यस और नो, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट, अब इसके बाद थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है, क्या है, रीअरेंजमेंट, राइट, ट्रेडिशनल वाला रीअरेंजमेंट है जो कि एग्जाम में आता है, आप सारे लोग फटाफट इसको सॉल्व कर लो, है ना, 5 मिनट का टाइमर मैं ऑन कर देती हूँ, मुझे आई थिंक थोड़ा सा गायब होना पड़ेगा, यस मुझे सेंटेंस से मतलब सिचुएशन से गायब इसलिए होना पड़ेगा बिकॉज आई एम हाइडिंग हाफ ऑफ द पार्ट, राइट, तो मैं हो जाती हूँ गायब, आपका टाइमर हो गया है शुरू, फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ, एकदम जल्दी जल्दी क्विकली सॉल्व करके बताइए। वेरी गुड रिम, 10 आउट ऑफ 10, अभी तक रिम मैडम का एकदम हाई स्कोर है, देखो बाकी लोग टक्कर में आ रहे हो, रिम मैडम ओपन चैलेंज दे रही है सबको, है कि नहीं, फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ जल्दी जल्दी।
देखो तो स्टार्टर क्या होगा, अभी तक एक भी आंसर नहीं आया है। जल्दी जल्दी स्टार्टर क्या होगा बताइए। ये जो रीअरेंजमेंट आपके सामने है प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे ना मेमोरी बेस वाला, यू विल गेट इट। तो बताइए जल्दी जल्दी जरा। यस एकदम रिम सी से स्टार्ट होगा। और ये कौन है, ऑल टाइप क्लासेस कुमार सर क्या बोल रहे, डी से स्टार्ट होगा? नहीं कुमार सर, डी से स्टार्ट नहीं होगा, सी से स्टार्ट होगा। डी आर के लक्ष्मण विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड फॉर हिज अर्ली मॉर्निंग डोज ऑफ लाफ्टर। ये कहीं ना कहीं लास्ट की तरफ आना चाहिए, है कि नहीं? सी इज द स्टार्टर। किसी के डेथ के बाद देखना इस तरीके के आर्टिकल्स छप के निकलते हैं, उस इंसान के तारीफ पे तारीफ किए जाते हैं। इंसान जिंदा रहते शायद इतना तारीफ नहीं होता, जब वो गुजर जाते हैं जितना तारीफ होता है। तो सी इज द स्टार्टर, सी से शुरू करेंगे। ये है स्टार्टर हमारा। जब कभी भी रीअरेंजमेंट स्टार्ट करो, थीम जो होगा ना पूरे पैसेज का, जो मेन थीम होगा वो स्टार्टर होता है। तो सी से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 सॉल्व करो जल्दी जल्दी। सी इज द स्टार्टर। तो जितने भी लोगों ने डी से स्टार्ट किया कहीं ना कहीं गलत है। अनुप अनुपम रीडू करो, फटाफट रीडू करो। सी विल बी द स्टार्टर, बी क्विक। सोनम ने बोला सी के बाद आएगा बी, सी के बाद बी आएगा। इफ अ पिक्चर इज वर्थ, देखो इफ अ पिक्चर इज वर्थ कहीं ना कहीं किसी से तो ये रिलेटेड है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त क्या आपका एटीट्यूड होना चाहिए, किन चीजों को नोटिस करेंगे वो बता देते हैं। स्टार्ट करें। देखो दो द कॉमन मैन कैरेक्टर इन हिज कार्टून, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉमन मैन के बारे में पहले किसी सेंटेंस में रहा होगा, उसके बाद ये आएगा। तो देखो मुझे कॉमन मैन ऑप्शन ई में दिखा, और कहीं दिखा है क्या? नहीं। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर ई के बाद ए आएगा, यस और नो? तो हमने एक छोटू सा पेयर ऐसे बना के रख दिया कॉर्नर में, ई के बाद ए आएगा। कैसे? इस तरीके के कीवर्ड से, कॉमन मैन, ई विल बी फॉलोड बाय ए। ठीक है। अब उसके बाद दो द कॉमन मैन कैरेक्टर इन हिज कार्टून वॉज ऑलवेज साइलेंट, द इंटेंडेड मैसेज वॉज वेरी लाउड एंड क्लियर। साइलेंट कार्टून होने के बावजूद भी है ना जो मैसेज था वो बहुत लाउड और क्लियर था, राइट? इफ अ पिक्चर इज वर्थ अ थाउजेंड वर्ड्स, अ कार्टून इज वर्थ अ थाउजेंड पिक्चर्स, हिज कार्टून्स वुड ब्रिंग स्माइल। अच्छा देखो ऑप्शन नंबर एफ में बोल रहा है कि कार्टून क्या है, वो स्माइल लाएगा, है ना? और ऑप्शन डी में है अर्ली मॉर्निंग डोज ऑफ लाफ्टर। तो कहीं ना कहीं डी के बाद एफ आएगा ना, आप खुद ही फॉलो करके देखो। आर के लक्ष्मण विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड फॉर हिज अर्ली मॉर्निंग डोज ऑफ लाफ्टर, हिज कार्टून्स वुड ब्रिंग अ स्माइल ऑन द फेस ऑफ पीपल हु डोंट नो टू रीड और वेयर इन अ हरी, है ना? जो लोग हड़बड़ी में हैं। अब आप लोग बताओ जो लोग पढ़ नहीं पाते हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है पिक्चर? पढ़ना वर्ड्स पे डिपेंड करता है ना बेटा, पढ़ना किस पे डिपेंड करता है? वर्ड्स पे डिपेंड करता है, लेकिन पिक्चर वर्ड्स पे डिपेंड करता है क्या? नहीं। तो बताओ एफ के बाद कहीं जाके बी आएगा, है कि नहीं? एफ के बाद बी आएगा। तो हमारा पेयर क्या बना, डी एफ बी, एक पेयर बन गया, डी एफ बी बिकम्स अ लाइक पेयर। अब आपको बस अरेंज करना है इनको जी के बेसिस पे, जी को बस बैठा ले, हमारा रीअरेंजमेंट सेट। ही एम्बॉडीड द होप्स एस्पिरेशंस एंड ट्रबल्स ऑफ इंडियंस फॉर ओवर हाफ अ सेंचुरी। तो किसी के मर जाने के बाद उसके तारीफ में ऐसे ही चीजें बोली जाती हैं। तो सी के बाद जी, जी के बाद हम लोग चले जाएंगे ई और ए। क्यों जी के बाद ई, जरा फॉलो करें। ही एम्बॉडीड द होप्स एस्पिरेशंस एंड ट्रबल्स ऑफ इंडियंस फॉर ओवर हाफ अ सेंचुरी।
मतलब अराउंड 50 years, राइट, सेंचुरी होता है 100 years में, तो अराउंड 50 years तक उन्होंने लोगों को मनोरंजन किया, राइट. फिर उसके बाद ही ऑलवेज केयर फॉर द प्लाइट ऑफ, तो हम लोग यहाँ पे ही और यहाँ पे आर के नारायण की डेथ के बारे में बात करी, ऑलवेज केयर फॉर द प्लाइट ऑफ, ऐसे. तो आप लोग बताओ, इंडियंस को कैसे सर्व किया, कैसे उनको प्रॉब्लम्स से निकाला, कैसे उनके मन में उम्मीद जगाया. ऑप्शन नंबर ई में है, ही ऑलवेज केयर फॉर द प्लाइट ऑफ कॉमन मैन थ्रू हिज इमॉर्टल कार्टून्स. फिर उसके बाद देखो, तीन जगह खाली और तीन अरेंजमेंट रेडी बैठा हुआ है, तो डी एफ बी. इस तरीके से रीअरेंजमेंट बनाओगे, वेरी गुड आफ्टरनून आयुष, तो जल्दी बनेगा, है ना. एक एक करके सॉल्व करने जाएंगे तो काफी लेट हो जाएगा, समझे कि नहीं, यस और नो. चलो, तो करेक्ट आंसर है सी जी ई ए डी एफ पी, दिस विल बी द करेक्ट आंसर. इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर है ना. चलिए, अब इसके बाद लास्ट डे का जो होमवर्क था उसको डिस्कस करें, फिर आज का होमवर्क देके आज की क्लास को करेंगे समाप्त. तो जरा जल्दी जल्दी सॉल्व करें. क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ. देखो, इस ब्लैंक स्पेस में फिल करना है, यहाँ पे चार वर्ड है, इनमें से कोई भी दो वर्ड का सेट आपको सिलेक्ट करना है, आपको सेट खुद से नहीं सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जो दिया गया है अरेंजमेंट उसी में से लेना है. तो फटाफट सॉल्व करके बताइए क्वेश्चन नंबर 16 को, जरा जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ, बी क्विक. क्वेश्चन नंबर 16 को एकदम जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे. विटनेस, बिल्कुल सही. रात ग्रुप्स को शेयर नहीं कर सकता, है ना. रात के पास वो कैपेसिटी या एबिलिटी है नहीं कि वो लोगों को शेयर करे, तो ये शेयर वाला शब्द बिल्कुल कैंसल. तो अगर शेयर कैंसल है तो ऑप्शन वन और ऑप्शन टू के होने का सवाल नहीं आता. इंस्टिगेट का मतलब क्या होता है बताओ, कोई भी बात में किसी को उकसाना ना, प्रोवोक. अगर इसका ईडियम ले तो वी विल से पुट ऑयल और फ्यूल ऑन फायर, है कि नहीं. इसका इडियोमेटिक फ्रेज क्या होगा, पुट ऑयल और फ्यूल ऑन फायर, तो उकसाना. तो क्या रात उकसा रहा है? नहीं. तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी. देखो तो कहाँ है ऑप्शन फोर, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर. शिवांशु का एक रिक्वेस्ट ये है कि मैम स्क्रीन ब्लैक रखा करें. बेटा, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसको हम लोग मेंटेन करते हैं. व्हाइट में अगर लिखेंगे तो वो प्रोमिनेंट दिखता है ना. व्हाइट बोर्ड में हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, राइट. तो दैट इज व्हाई इट इज देयर. ठीक है, आपने रिक्वेस्ट किया है, उसको देखा जाए कितना कंसिडर किया जाएगा. चलो, क्वेश्चन नंबर 7 एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ. फटाफट सॉल्व करके बताओ क्वेश्चन नंबर 7 को, जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताइए. 17, सॉरी नॉट 7. सेवनटीन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा बताओ. सेवेंटीन का करेक्ट आंसर होगा वेरियस और डिस्टिंक्ट. पढ़ो, वाटर टू डिस वेरियस पार्ट्स ऑफ द सिटी एंड डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द सिटी, तो ऑप्शन नंबर 5 इज द करेक्ट आंसर. नहीं, ऑप्शन 4 नहीं. ओल्ड पार्ट्स नहीं होता, टू ओल्डर पार्ट्स होता फिर, है ना. ओल्ड पार्ट्स ऐसे नहीं बोलते अगर शहर है ना. चलो, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताओ. आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट सॉल्व करके बताइए क्वेश्चन नंबर 18, बी क्विक. एकदम जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करके बताओ, एकदम क्विकली बताओ. क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर? चलिए पढ़िए.
Dash personal hygiene along with routine immunization is important for both infants and children. तो करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ? 18 का करेक्ट आंसर यस, एकदम एकदम करेक्ट. कीपिंग एंड मेंटेनिंग है कि नहीं? कीपिंग एंड मेंटेनिंग, यस ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड. 19 का बताओ, जल्दी जल्दी सॉल्व करो. 19 बी क्विक, ये लास्ट क्लास का होमवर्क था ना आप लोगों का. 19 का आंसर बताइए जरा जल्दी जल्दी एकदम क्विकली. क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताओ. Children should not be stopped playing out in the dust as it assumes, focuses, strengthens to for sure hoga. Strengthens ka hi similar meaning hai boost. To correct answer hai option number 5, that is CLT. Is this part clear? Ab iske baad jo section added hai, wo hai reading comprehension ka. Question number 21 se 30, ek question missing hai I guess, koi baat nahi, wo add kar diya jayega. Question number 21 to 30, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, आरसी का है, राइट? अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हम लोग आज होमवर्क में बनाएंगे. ये जो 10 क्वेश्चन है बेटा, ये आपके आज का होमवर्क है. तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं थोड़ा सा गायब हो जाती हूँ स्क्रीन से. आप सारे लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो. पैसेज पहले मैंने दे दिया है ताकि आप लोग उसको फॉलो अप कर पाओ, तो पैसेज का प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. काफी बड़ा है ना, काफी बड़ा है. थोड़ा सा लेवल मैंने हाई रखा है क्योंकि आप लोग होमवर्क में बनाओगे ना, आराम से बना सकते हो, तो थोड़ा है, लेवल हाई है, राइट? फिर उसके बाद पैसेज का क्वेश्चन नंबर 1, मतलब क्या हमारा 21, फिर 22, है ना? टेक अ स्क्रीनशॉट, बी क्विक, टेक अ स्क्रीनशॉट. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, मतलब 23 एंड 24, डन. फिर क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26 उसी पैसेज का पार्ट है, तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, वहां से सॉल्व कर लेना. फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29 एंड द लास्ट वन 30. सो टिल हियर इट विल बी देयर एज योर होमवर्क. तो 10 क्वेश्चंस ऑफ आरसी है ना, 10 क्वेश्चंस ऑफ आरसी दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विल बी देयर एज योर होमवर्क. एंड इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कहां दोगे? पब्लिक कमेंट में, है ना? इन क्वेश्चंस का आंसर कहां दोगे बताओ? पब्लिक कमेंट में, राइट? चलिए फिर आज की क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं. आज की क्लास के रिगार्डिंग अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो आप लोग इंग्लिश महिंद्रा लाइव या तो श्राया महिंद्राज में हमको कांटेक्ट कर सकते हो, फाइन. और अगर किसी भी न्यू बैच में आपको ज्वाइन करना है तो दिस इज द रेफरल कोड, आप उसको यूज करके एक फ्लैट 10% डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हो, ओके? तो चलिए सेशन को मैक्सिमम आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, और अगर अभी तक लाइक बटन को हिट नहीं किया है तो कर दीजिए जरा. लेट्स मीट इन आर नेक्स्ट क्लास. टिल देन बाय बाय ऑल ऑफ यू.